जय श्री राम प्रेमी भक्तों, देवउठनी एकादशी की कथा या फिर देवउठनी एकादशी व्रत कथा, जो कि देवउठनी एकादशी है प्रेमी भक्तों, इसकी कथा और ये देवउठनी ग्यारस या फिर एकादशी ये कब से प्रारंभ हुई, इसका व्रत हुआ कब से प्रारंभ हुआ, एक प्रचलित कथा है प्रेमी भक्तों, और बहुत ही सुंदर और आनंदमय कथा रही है इसकी, कि इसकी शुरुआत कब से मानी गई है, श्री हरि को समर्पित है यानी विष्णु भगवान को समर्पित है। आप इसे देखिए और देव उठनी एकादशी की एक कथा, इसका भरपूर आनंद लीजिए कि क्यों श्री हरि ने मरते हुए व्यक्ति को यानी भक्त को बचाया। अब देखिए देव उठनी एकादशी की ये जो कहानी है 2022 के अंतर्गत आज ही के दिन यानी 4 नवंबर 2022 आज देवउठनी ग्यारस है यानी एकादशी, देवउठनी एकादशी है, उसका महत्व मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हुई। कि प्रेमी भक्तों, देवउठनी ग्यारस का महत्व यह है कि काफ़ी समय पूर्व पहले की घटना है कि एक राजा अपने राज्य में राज कर रहा है। उस समय कुछ व्यक्तियों की भर्ती होती है, नौकर चाकर की सेवा सैनिकों की भर्ती होती है। तो एक व्यक्ति होता है कि मैं भी सैनिक बनना चाहता हूँ। तो राजा ने एक मांग रखती कि वो बात सब ठीक है, मगर देवउठनी एकादशी के दिन व्रत किया जाता है, उस दिन हम खाना भोजन इत्यादि कुछ भी नहीं मनाते हैं, तो आपको भी उस समय व्रत रखना पड़ेगा। तो वह व्यक्ति भी बोलता है कि हाँ ठीक है, हमें मंजूर है, हम कर लेंगे एक दिन में, तो क्या होता है, कर लेंगे। तो व्यक्ति हाँ तो कर लेता है, मगर जैसे ही एकादशी आती है, देवउठनी एकादशी आती है, तब वह फिर से भूख से ललायित होता है, यानी होता तो है मगर उसको फल फ्रूट दिए जाते हैं, दूध भी पिलाया जाता है, तो करता है वह खान पान करता है व्रत, मगर फलाहार ही करता है, अन्न का दाना नहीं लेता। तो वह कहता है कि मुझसे तो नहीं रहा जा रहा, ये एकादशी वगैरह मुझसे नहीं होने वाली, मैं तो प्रभु का हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे भूखा नहीं रहा जाएगा। तो उसको बोला ठीक है, तुम जाओ बाहर नदी किनारे जाओ, ये थोड़ा धान ले जाओ और अपना जलपान करना, भोजन करना आराम से। सामान दे देते हैं, जाते हैं वे नदी किनारे, थोड़ा स्नान आदि करता है और अपने भोजन बनाने बैठता है और भोजन बना भी लेता है। अब देखिए एकादशी, इस देवउठनी एकादशी के दिन क्या होता है, उसके प्रभु को ध्यान मगन करता है, भजन करता है प्रभु का कि हे प्रभु आप भी आओ भोजन करो, आज एकादशी है तो आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो ये देखता है कि ये बुला किसको रहा है आखिरकार। फिर उसी समय क्या होता है कि प्रभु प्रकट होते हैं, ऐसे कीर्तन करता है, चारों तरफ भजन कीर्तन करता है और प्रभु को बुलाता है। प्रभु प्रसन्न होते प्रकट होते हैं और भोजन करना आ जाते हैं, और वे साथ बैठ कर ही भुजादारी, साथ बैठ चार भुजादारी आते हैं और साथ बैठ कर ही भोजन करते हैं। अब देखिए भोजन करते हैं, वापस प्रभु राजा के पास जाता है कि कि नरेश की भोजन जो सामान आपने दिया था वह कम पड़ गया, अब वो क्या श्री हरि को मैं पुकारता हूँ, वो आते हैं वो भी भोजन करते हैं, मुझको अन्न की कमी हो रही है तो आप मुझे थोड़ा सा भोजन की सामग्री और दें। अब देखिए सामग्री तो उससे पूछता, सामग्री ऐसे कैसे कम दे दी, कम कैसे रह गई कि नहीं, एक श्री हरि हम मेरे पास आते हैं और वो भोजन करते हैं, हम दोनों साथ में ही भोजन करते हैं उस दिन। राजा को विश्वास नहीं होता है कि नहीं यार, ये एक आम सैनिक तो इससे प्रसन्न कैसे हो गए श्री हरि, ऐसी क्या विधि लगाई और वो आते हैं और ये ऐसे ही हमें बुद्धू तो नहीं मना रहा है, या हमें कुछ पागल तो नहीं मना रहा अधिक धान लेने के लिए। राजा जी को वह कहता है नहीं आप भी आओ मेरे साथ, वो आप स्वयं देख लेना। तो वह जाता है, जाने के पश्चात राजा जी वहाँ सामने रहते हैं, फिर बोलता है कि देखिए अभी आएंगे, वो स्नान आदि करके जल के किनारे और अपने करने लग जाता है यानी कीर्तन करने लग जाता है, भगवान को बुलाने लग जाता है प्रभु आओ भोजन कर लो। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय हो गया तो नहीं आया, तो उनको कहते हैं आप उस पेड़ के पीछे जाके बैठ जाओ और देखिए वो आएंगे।
राजा जी पेड़ के पीछे चले जाते, फिर भी कीर्तन करता है, भगवान को बुलाता है, आते नहीं है। फिर वो अपना धैर्य खो देता है व्यक्ति। भगत धैर्य खोने के पश्चात वो एक प्रण ले लेता है, प्रभु आप अब आप प्रकट नहीं हुए तो मैं इस नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगा। तो प्रभु उसका दृढ़ विश्वास देख लेते हैं कि नहीं, अब ये तो सत्य कह रहा है, अभी कूदने ही वाला है। अब जैसे ही वह नदी की ओर बढ़ने लगता है, तब वह प्रभु चार भुजाधारी श्रीहरि आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और उसके साथ भोजन करते हैं, फलादि देते हैं, जलपान करते हैं और उस भक्त को अपने साथ ही अपने विमान में ले जाते हैं, अपने ही धाम में, और उस पर उसको उस पर यानी उस परम भक्त पर अपनी असीम कृपा प्रकट करते हैं। तो प्रेमी भक्तों, राजा भी उस तरफ देखता रहता है कि हाँ, हरि अर्थात प्रभु किसी बड़े आडंबर पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी धन की इतनी महत्वाकांक्षा रखने वाले पर, यानी कोई आडंबर बनाए बैठा है, अपना आप में कुछ इतना कोई अभिमान कर बैठा उस पर इतने नहीं। वो सब में समझ जाता है कि राजा मैं हूँ तो सही, मगर उस एक आम से सैनिक ने, सैनिक की बात प्रभु ने सुनी, उसके साथ भोजन किया और उन्हें उसे अपने साथ ले गए। तो प्रेमी भक्तों की सरल होना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सरल होना हर किसी की बस की बात भी नहीं होती, क्योंकि उसे कई कार्य करने पड़ते हैं, हर जगह सरल होना पड़ता है। तो आपको भी यही कार्य करना है कि उस परमपिता परमेश्वर ने जो आपको गुण दिया है, अर्थात ये गुण दिया, उसके प्रति आप निरंतर जाप करते रहें उस प्रभु का, और उसके नाम में आप हो जाए, उसे निरंतर जाप करते रहें, निरंतर जाप करते रहें और प्रभु आपको तुरंत ही दर्शन देंगे। तो रहंती आप जब सरल हो जाएंगे, तब प्रभु की आपकी आपकी ओर समक्ष आपके समक्ष अपना आप ही नज़र चली जाएगी, ये कोई भक्त मुझे बुला रहा है। तो प्रेमी भक्तों, ऐसा भी आपको ही करना है, इसलिए सरल बने रहिए, क्यों सरल भक्तों की ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। जो अबोध है भक्त, यानी सांसारिक जीवन से जुड़ी इतनी उतार चढ़ाव को जानते नहीं हैं, फिर भी उनकी बहुत जल्द सुनते हैं प्रेमी। आप भी इतना करें कि उस प्रभु की कृपा से उनका भजन दान करें, कीर्तन करें, तो आपको वह हर रूप में मिल जाएगा, आप जो चाहते हैं उस रूप में मिलेगा। प्रेमी भक्तों, ये एकादशी की व्रत कथा आपको कैसी लगी, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अर्थात सरल भक्त होने का बहुत फ़ायदा है। तो आप भी इस एकादशी व्रत कथा के महत्व उठाएं और हो सके तो प्रभु का धन ध्यान आदि करते रहें और प्रभु को याद करते रहें। प्रेमी भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सियाराम प्रेमी भक्तों।